किसी को, ये मिक्सचर और किस में लेते हैं, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में भी ये मिक्सचर लेते हैं। ठीक, तो इसमें बनता क्या है, देखो ध्यान से, NaCl बाहर निकल जाएगा तो एक कंपाउंड बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, दैट इज HONO। ठीक है, NaCl बाहर गया, क्या बचा अपने पास, HONO। ठीक है, ये अब जब इसमें तुम वाटर डालोगे ना, तो ये नॉर्मली H प्लस गेन करके सॉल्यूशन से खाली NO प्लस छोड़ देता है कंपाउंड में, और इसी की अपने को जरूरत है। ये दिखेगा कैसे तुमको, N डबल बॉन्ड हो ऐसे, और एक इसके पास खाली ऑर्बिटल होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। ठीक है, यही मेन है। अब होता क्या है, मान लो अगर प्राइमरी अमाइन पे तुमने इसका रिएक्शन करवा दिया, तो इन रिएक्शन से हम लोग गुजर चुके हैं, क्या होगा, ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसके वैकेंट में फिल कर देगा, जिससे तुमको क्या देखने को मिलेगा, RnHH, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे N डबल बॉन्ड हो, राइट। अब क्या होगा, ऑक्सीजन है, इसको दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो ये सिंपल सा क्या करेगा, इनके साथ बॉन्ड बना के वाटर बना लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड N लोन पेयर, या इसको कर दो ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे डाल दो लोन पेयर। ठीक है, अब इसकी आगे की कहानी मेरे को पता है, ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, N2 बना के बाहर, और यहां से जब ये निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर प्लस, इस पे जब तुम रिएक्शन करोगे किसका, मान लो वाटर है, तो यहां से ये बना लेता है क्या, ROH, और प्लस H प्लस को रिलीज कर देता है, यही H प्लस क्या करता है, यहां से OH को लेके वाटर बना लेता है और NO को फॉर्म करना चालू करता है फिर से। ठीक है, तो लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट में होता ये है कि तुम अगर इसको प्राइमरी से रिएक्ट करवा रहे हो, तब तो ये तुमको क्या बना के देगा, अल्कोहल बना के देता है। हेनरी के साथ लेके चलो, तो इसके पास तो लोन पेयर है, और हमारे पास क्या बन के निकला है, एनओ बन के निकला है। ठीक है, अब होता क्या है, ये लोन पेयर इसमें शिफ्ट कर देगा, तो जिसके वजह से अब ऑक्सीजन निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि इसको H प्लस मिल ही नहीं रहा है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे H प्लस था, यहाँ भी H प्लस था, तो ये वाटर बना के निकल जा रहा था, बट इस कंडीशन में इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो ये करता क्या है मालूम है, RN, ये नाइट्रोजन इससे बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे R ग्रुप ऑलरेडी है। ठीक है, इसका लोन पेयर बिजी होता है, तो ये यहीं से क्या कर देता मालूम है, H प्लस को रिलीज कर देता है डायरेक्ट सोल्यूशन में, और यहीं पे ये रिएक्शन जाके रुक जाती है, इसके आगे प्रोसीड होना बंद हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो अमाइन, जो कि होता है एक, मैंने क्या बोला, येलो ऑयली लेयर बनाती है ये सॉल्यूशन पे, तो हमको पता चलता है कि सेकेंडरी अमाइन से रिएक्शन हुई होगी, तब जाके येलो कलर का सब्सटेंस दिख रहा है तुमको। ऊपर जैसे पानी में अपन ये डालते हैं ना ऑयल, तो कैसे ऊपर लेयर के फॉर्म में दिखता है, वैसे ही ये भी दिखता है। ठीक है, कराया होगा तुम लोग को, और टर्शरी के साथ ये करोगे तो ये प्रोसीड ही नहीं करेगा, क्योंकि H प्लस है ही नहीं इसके पास कुछ करने के लिए, हाइड्रोजन होने चाहिए ना प्रोसीड होने के लिए, तो टर्शरी के साथ नहीं होता है, तो प्राइमरी सेकेंडरी तुम लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट से वेरीफाई कर सकते हो, टर्शरी भी कर सकते हो, डाल दो रिएक्शन नहीं हो रही मतलब टर्शरी है, येलो आ गया मतलब सेकेंडरी है, अल्कोहल बन गया मतलब प्राइमरी है, करवाएं क्या ये वाला एक्सपेरिमेंट।